राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज देखो आपको मैं ये बेल वाला डिजाइन बना के दिखाऊंगी। इस तरह बेल ही बनी हुई है। आप इसको बच्चे के कार्डिगन में डाल लो, लेडीज़ कार्डिगन में भी डाल सकते हो, लड़कियों के टॉप में, कुर्ती में, कहीं भी डाल लो। दो रंग का डिजाइन सारी जगह अच्छा लगेगा। अगर आपने दो का बनाना दो का बना लो। यही डिजाइन है कॉपी में, तीन रंग का बनाना तीन का बना लो, चार का बना लो, किस तरह बना लो। जैसे ये बना लिया पहले, आगे दूसरा रंग लगा लिया, फिर तीसरा लगा लिया, या फिर दो का ही बनाना चाहो दो का बना लो। बॉर्डर बना के जो यहाँ तो पहले सिलाई में बना रखा है, पहले सिलाई तो बना कर दिखाऊंगी आपको। ये वाला डिजाइन छः सिलाई का है और ऊपर चार सिलाई उतार रखी है, 10 सिलाई का बन गया ये डिजाइन। अगर आपने इस जगह चार सिलाई उतार रखी है सीधी उल्टी, आपने छः उतारनी छः उतार लो, आठ उतारनी आठ उतार लो, दो डिजाइन के बीच में जितना गैप करना है इतना कर लो आप। मैं चार सिलाई उतार रही हूँ, आपने 10 बनानी 10 उतार लो, 12 बनानी 12 उतार लो। अब देखो पहली सिलाई बना के दिखाऊंगी डिजाइन की। पहले हम दो फंदे पिंक रंग के बना लेंगे। दो पिंक बना लिए, तीन फंदे क्रीम बना लिए, फिर दो फंदे पिंक बना लिए, एक दो, फिर तीन फंदे क्रीम बना लिए। पूरी सिलाई हमने ये इस तरह उतारनी है। पहली सिलाई दो पिंक तीन क्रीम, दो पिंक तीन क्रीम। अब ये 10 फंदे का एक डिजाइन हो गया। यही 10 फंदे हमने पूरी में बनाने हैं। फिर दो फंदे और दो रंग का कोई भी डिजाइन है इस तरह करके बनाना। ये खिंचा हुआ नहीं बनेगा फिर हमारा डिजाइन। अगर हम खिंचा हुआ तब बना है, हम यूं करके बना लें, यूं करके ऐसे नहीं बनाना। दो फंदे पिंक, तीन फंदे क्रीम, एक दो तीन, फिर दो फंदे पिंक, तीन फंदे क्रीम, फिर दो फंदे पिंक, एक दो, फिर तीन फंदे क्रीम। 10-10 फंदे का एक डिजाइन बनेगा। तो ये 32 फंदे डाल रखे हैं, दो फंदे इस तरफ डिजाइन को सेट करने के लिए है। तीन फंदे फिर क्रीम, एक दो तीन। अब इस कोने पे पिंक आ गए, इस कोने पे भी हमें दो फंदे ज़्यादा डाल रखे हैं, इस कोने पे भी। यहाँ तक हो गया हमारा 10-10 फंदे का हिसाब है डिजाइन। ये फंदे हमने डिजाइन को सेट करने के लिए, ताकि दोनों कोने पे एक जैसा डिजाइन बनेगा तो ही अच्छा लगेगा। अब आ गई दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब दूसरी सिलाई में हमने किस तरह बनाना है, यहाँ कोना वाले हमने दो फंदे पिंक बना क्रीम बना देने हैं, एक फंदा पिंक, फिर दो फंदे क्रीम, फिर दो फंदे पिंक, फिर दो फंदे क्रीम, एक फंदा पिंक, फिर दो फंदे क्रीम। अब ये दो छोड़ कर ये 10 फंदे हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। यही 10 फंदे हमने बार बार बढ़ाने हैं। दो क्रीम आ गए, फिर एक पिंक आ गया। अब जिस तरह ये बना रखे हैं नी, एक पिंक, अब ये एक पिंक बना देंगे, फिर आगे दो, ये आगे क्रीम, ये दो क्रीम बना दिए, फिर आगे ये दो पिंक आ गए, ये दो पिंक बना दिए, फिर आगे दो क्रीम आ गए, ये दो क्रीम बना दिए, और फिर आगे एक पिंक आ गया, ये एक पिंक बना दिया, और फिर आगे दो क्रीम एक पिंक, दो क्रीम एक पिंक। अब देखो यहाँ तक बना दिया, फिर आगे दो क्रीम दो पिंक दो क्रीम, दो क्रीम दो पिंक, फिर दो क्रीम, और ये दो क्रीम बना के
दो पिंक, दो क्रीम, फिर एक पिंक, और ये दो फंदे हमने क्रीम बना रखे हैं, इस तरफ दो फंदे क्रीम आ गए। अब ये दूसरी सिलाई हमारी पूरी सिलाई इस तरह उतरेगी। अब आगे तीसरी सिलाई, अब तीसरी सिलाई में सीधी सिलाई है, तीन फंदे हम कोने पर, दोनों कोने पर तीन तीन फंदे क्रीम बनाने हैं, और बीच में सारी जगह हमारे चार चार फंदे क्रीम बनेंगे, एक एक फंदा हमारा पिंक बनेगा। अब तीन क्रीम आ गए, एक पिंक आ गया, फिर आगे चार फंदे हमने क्रीम बनाने हैं, एक दो तीन चार। अब तीन इस तरफ क्रीम आ गए, तीन इस तरफ आ जाएंगे, बीच में सारी जगह चार चार क्रीम बना देंगे, एक पिंक, ये फंदे बनाने हमने पूरी सिलाई में, एक पिंक, चार फंदे क्रीम। अब ये तीसरी सिलाई है, सीधी सिलाई है, चार फंदे क्रीम, एक फंदा पिंक, फिर चार फंदे क्रीम, एक फंदा पिंक। फिर चार फंदे क्रीम, एक फंदा पिंक, फिर चार फंदे क्रीम, कोने पर हमारे तीन फंदे क्रीम आ गए, देखो दोनों तरफ तीन तीन फंदे क्रीम हैं। अब आ गई चौथी सिलाई, उल्टी सिलाई। अगर एक बार एक बेल बना ली या दो बेल बना ली तो अमन है, यूं देख कर भी बना सकेंगे, फिर ये डिजाइन मुश्किल नहीं है कुछ भी, बिल्कुल आसान डिजाइन है। एक बार इस तरह करके बना लो, फिर पीछे देख के भी बना सको आप। अब आ गई चौथी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब चौथी में उल्टी में दो कोने पे पिंक, फिर आगे दो फंदे क्रीम, फिर एक पिंक, दो क्रीम, फिर एक फंदा पिंक, फिर दो क्रीम, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दस। अब यही दस फंदे हमने पूरी सिलाई बनाने हैं। दो फंदे हम आगे, अब शुरू तय बना रखे हैं, जिस तरह दो फंदे पिंक, फिर दो फंदे क्रीम, एक दो, देखो ये चार बना दिए, फिर एक पिंक, एक पिंक, फिर दो क्रीम, एक पिंक, दो क्रीम, दो क्रीम, एक पिंक, फिर दो क्रीम, एक दो। अब देखो दो क्रीम, एक पिंक, दो क्रीम, यहाँ तक बना दिए। अब आगे फिर ये वाला डिजाइन फिर हो गया। अब आगे दो पिंक, दो क्रीम, दो पिंक, दो क्रीम, ये वाले एक पिंक, दो क्रीम, एक पिंक, दो क्रीम, फिर एक पिंक, अब ये वाला पिंक बनाया है, फिर आगे दो क्रीम, दो पिंक, दो क्रीम, दो पिंक। अब देखो इस कोने पे भी दो क्रीम पिंक आ गए, इस कोने पे भी दो पिंक आ गए। अब आ गई पांचवीं सिलाई, अब पांचवीं सिलाई आ गई, सीधी सिलाई आ गई। अब पांचवीं सिलाई में हमने किस तरह बनाना है, दो पिंक, एक दो, फिर तीन क्रीम, एक दो तीन, फिर दो पिंक, फिर तीन क्रीम, एक दो तीन। अब ये दस फंदे हो गए, यही दस फंदे हमने पूरी सिलाई बनानी है। फिर सिलाई हमारी इस तरह उतरेगी, दो पिंक तीन क्रीम, दो पिंक तीन क्रीम, पूरी सिलाई इस तरह होगी, दो पिंक, एक दो, फिर तीन क्रीम, एक दो तीन, फिर दो पिंक, एक दो, फिर तीन क्रीम, एक दो तीन,
फिर दो पिंक, फिर तीन क्रीम, एक दो तीन, दो पिंक, एक दो, अब पाँचवीं सिलाई पूरी सिलाई इस तरह उतर गई, दो पिंक तीन क्रीम, दो पिंक तीन क्रीम। अब आ गई छठी सिलाई उल्टी सिलाई। अब छठी सिलाई में हमने सारे फंदे क्रीम बनाने हैं और जो ये पिंक धागा है ये धागा हम इस तरह करके यूँ साथ साथ दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। देखो यूँ करके अभी ये क्रीम नीचे कर लिया और पिंक वाला ऊपर कर लिया, ऐसे दबा दबा कर ले आए इस तरफ। आगे फिर दूसरा डिजाइन डाल लेंगे, हमने सीधी साइड तक डालना है तो धागा तोड़ना नहीं पड़ेगा फिर हमने। अब ये छठी सिलाई पूरी सिलाई इस तरह उतार देंगे। छह सिलाई का डिजाइन है ये, बाकी बीच में तो आप दो उतार लो, चार उतार लो, छह उतार लो, कितनी सिलाई उतार लो वो आपकी मर्जी है। दो सिलाई उतार कर न डाल लो तो दो सिलाई उतार कर डाल लो। अब यहाँ हमने कोने पे छोड़ दिया ये पिंक धागा। अब छह सिलाई हमारी पूरी होगी। आगे फिर हम ये छह चार सिलाई उतार देंगे क्रीम रंग की, एक सीधी एक उल्टी, फिर एक सीधी एक उल्टी, फिर आगे यही पहली सिलाई तक फिर बना लेंगे। इस तरह डलेगा ये डिजाइन, यही दस सिलाई बन गई हमारी एक डिजाइन की। छह सिलाई ये होगी, चार सिलाई ये होगी, यही दस दस सिलाई हम बार बार बनाएंगे।